हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन में, एंड जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी हमारी मोहाली के नियर बाय खरड़ में। ये प्रॉपर गेटेड सोसाइटी में बना है और इसमें आपको पार्क फेसिंग भी मिल जाएगी। एंड जो मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने जा रही हूँ वो विद प्रीमियम इंटीरियर के साथ हमने इसको डिज़ाइन करा है, अपना ये बना है 109 गज में। एंड इसका प्राइस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर हम कोठी की बात करें तो ये रहेगी अपनी सिंगल स्टोरी 2BHK कोठी है, जो बनी है हमारी साउथ फेसिंग की। और इसके अलावा इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ। सो लेट्स गो हैव अ लुक। तो दोस्तों, ये आ जाता है हमारा मेन गेट। जैसे कि आप गेट का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये हमने स्टील वर्क करा है इसमें विद वुडन टच के साथ, क्योंकि मैक्सिमम घरों में क्या होता है कि आयरन का डोर यूज़ करते हैं मेन गेट के लिए, उसमें क्या होता है कि जल्दी जंग लग जाता है, तो हमने ये स्टील वर्क करा है। इसी के साथ ही अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमने दिया है रैम, ताकि आपकी कार जो है इजीली अंदर आ सके। और ये रहता है आपका स्पेशियस, यहाँ पे रहेगा पार्किंग एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपका इजीली 4-व्हीलर पार्क हो सकता है, अगर बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी भी आपकी इजीली पार्क हो सकती है। तो अगर हम इस तरह की बात करें तो यहाँ रहेगा अपना पॉर्श एरिया, जहाँ पे हमने नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया है, इसमें आपका इजीली 2-व्हीलर पार्क हो सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही मैं दिखाती हूँ आपको अपना स्टेयर्स। ये अपनी रूफ के लिए या फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स जाएगी, एंड इसमें भी हमने स्टील रेलिंग करी है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर अच्छा डिजाइन दे रखा है। एंड अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्पेस था वो हमने यूटिलाइज करा है, जहाँ पे आप अपना इन्वर्टर हो गया या अपने शूज रैक रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही मैं लेके चलती हूँ आपको इंटीरियर की ओर। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे स्विचेस। जो भी हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस यूज करते हैं वो करते हैं हम एंकर ब्रांड के स्विचेस यूज। अगर हम बात करें डोर की तो देख सकते हैं काफी अच्छी लुक लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने डबल डोर दे रखा है, एंड ये देख सकते हैं ये हमारा रहेगा सागवान का। पहले इनको डिजाइन दिखा दीजिए। यहाँ पे हमने जो है मिरर वर्क कर रखा है, ताकि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर में है तो आपकी मतलब जो अंदर रह रहे हैं फैमिली मेंबर्स, तो उनकी प्राइवेसी रहे। तो इसी के साथ ही अगर इस साइड को बात करें, ये जैसे मैंने आपको बताया था ये डबल डोर है, तो ये आ जाता है हमारा वुडन का डोर, जो कि हम सागवान ब्रांड का वुडन यूज कर रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं काफी अच्छी लुक दे रहा है। और इधर हमने करा है टीक वर्क, ये देख सकते हैं काफी। और जो भी हम लॉक यूज कर रहे हैं वो अनय ब्रांड के यूज कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही हम एंटर होते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ, ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा स्पेशियस लग रहा है देखने में, काफी बड़ा है। ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे इजीली जो है 4 या 5 सीटर सोफा प्लेस हो सकता है कॉर्नर में, एंड इससे को भी आपका स्पेस रहता है, तो यहाँ पे भी आप अपना डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें वेंटिलेशन के लिए विंडो की, तो ये काफी बड़ी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, हमने कॉर्नर विंडो आपको प्रोवाइड करवाई है, ताकि इजिली सनलाइट हो या एयर हो वो आपके घर को आ सके। तो अगर बात करें ऊपर कर्टन्स भी, ऊपर हमने रॉड दे रखी है, आप अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्टन्स भी लगा सकते हैं। ये रहेगी आपके इस साइड को वॉलपेपर, जो काफी अच्छी लुक दे रहा है, कलरफुल डिजाइन के साथ आपको वॉलपेपर मिलेंगे। अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी लगाना चाहते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड इसी के साथ ही ऊपर मिलेगा आपको एसी का प्रोविजन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एलसीडी पैनल की, एलसीडी पैनल का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आपको डिजाइनर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद वॉल लाइट के साथ आपको प्रोवाइड होगा, एंड इसमें जो स्पेस रह रहा है यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो स्पेस रह रहा है यहाँ पे आप अपना मंदिर बना सकते हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम, एंड यहाँ पे हमने आपको स्पेस दिया है।
ताकि आपका आधा सामान ऊपर स्टोर हो सके। ये देख सकते हैं एलसीडी पैनल का लुक, एक बार फिर से दिखाइए। एंड अगर हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर मिलेगी आपको डाउन सीलिंग, डिजाइनर डाउन सीलिंग मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक देता है आपकी हॉल को, एंड इससे जो है स्पेस भी काफी अच्छा दिख जाता है। आइए, तो ये था हमारा लिविंग एरिया, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, स्पेस काफी रहता है। तो यहाँ पे आप इजीली अपना 4 सीटर हो या 5 सीटर हो, तो डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। तो ये आ जाता है अपना किचन एरिया, जो काफी स्पेशियस है देखने में, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही हम बात करते हैं वैनिटी से। तो ये रहेगी हमारी किचन की वैनिटी, जहां पे आप इजीली अपना सामान जो है स्टोर कर सकते हैं। और इस साइड रहेंगे आपके काउंटर, ग्रेनाइट ग्रे का हमने इसमें काउंटर यूज करा है, जो काफी अच्छी लुक देता है आपकी किचन को, ये देख सकते हैं। आइए, तो बात करते हैं हम वार्डरोब से कि आपके किचन में कितना स्पेस रहता है। तो यहाँ पे आपके यूटेंसिल्स इजीली स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने जो है हाइड्रोलिक कबर्ड बनाए हैं। ये प्रॉपर डिजाइन के साथ हमने इसको जो है बनाया है। यहाँ पे आपके कटलरी सेट हो गया, क्रॉकरी सेट हो गया, वो इजीली स्टोर हो सकते हैं। ये देख सकते हैं काफी स्पेस है। इधर हमने कॉर्नर लगाया ताकि आपके किचन का सामान हो या ऑनियन मसाले कुछ भी आपने रखना हो तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। एंड अगर हम इस साइड को देखें तो इस साइड भी आपका थोड़ा सामान आ सकता है, थोड़ा बहुत, ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रहेगा आपका डस्टबिन एरिया, ये देख सकते हैं कि हमने ऊपर से इसको कवर कर रखा है, तो यहाँ पे आप अपना डस्टबिन रख सकते हैं। एंड अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। तो इसी के साथ ही ऊपर आपको मिल जाएगा गीजर का पॉइंट। गीजर के पॉइंट के साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगा आरओ का पॉइंट। इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड करवाई है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर मिलेगा आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन। इधर आपको मिलते हैं 2 सिंक, जिसमें आप एक साइड यूटेंसिल वॉश कर सकते हैं, एक साइड आप सुखा सकते हैं। जो भी हम बाथ फिटिंग यूज करते हैं वो कर रहे हैं हम सेहरा ब्रांड की बाथ फिटिंग। एंड इससे को भी आपको प्रॉपर कबर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी ज्यादा स्पेशियस लग रहा है देखने में, काफी स्पेस रहता है आपका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस रहता है अपना, ये रहेगा आपका चिमनी के लिए, जो कि हमने प्रॉपर कवर करा है। अब इसमें कटिंग होनी बाकी है, तो कटिंग से जो है ये वार्डरोब्स के अंदर जाके इसकी पाइप निकलेगी। और इस साइड को अगर देखें तो इस साइड को भी हमने वार्डरोब्स दिए हैं प्रॉपर, ये देख सकते हैं। एंड इस साइड भी आपको वार्डरोब्स मिलेंगे, जहां पे आप अपने क्रॉकरी सेट कटलरी सेट रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 2 फुट तक जो है टाइल वर्क करी है किचन में। एंड आप ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमने कनेक्शन दे रखा है गैस का, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टेयर्स के नीचे जो हमारा यूटिलिटी स्पेस रह रहा था, वहां पे हमने जो है ये इन्वर्टर या फिर आप सिलेंडर भी रख सकते हैं, उसका हमने डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो सिलेंडर आपका बाहर रहेगा, गैस आपका यहाँ पे, इजिली आप कुक कर सकते हैं अपना खाना। तो इससे बात करें तो यहाँ पे आपका इजिली जो है फ्रिज प्लेस हो सकता है, काफी ज्यादा स्पेस है, ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर भी हमने डाउन सीलिंग विद लाइट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं किचन एरिया में, वहां पे हमने स्पेस दे रखा है। तो स्पेस में आप जो है यहाँ पे झूमर प्लेस कर सकते हैं या अपना झूमर हैंग कर सकते हैं। तो आइए, इसी के साथ ही अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने बेडरूम की तरफ। तो इस साइड को ये रहेगा आपका बेडरूम, या जाता है आपका बेडरूम का डोर, जो काफी डिजाइनर एंड सिंपल लुक के साथ लग रहा है। इसी के साथ ही ये देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस लग रहा है देखने में। ये देखिए ग्रे एंड ग्रे का वॉलपेपर
इसमें लगा है जो काफी अच्छी लुक दे रहा है आपके बेडरूम को। इसी के साथ ही अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर मिलेगा आपको एसी का प्रोविजन, जहां पे आप इजीली अपना एसी लगा सकते हैं। एंड रहती है ये वाली वॉल, तो यहाँ पे आपको जो है पूरी वॉल पे जो है कबर्ड्स मिलेंगे जो हमने मैच करे अपने वॉलपेपर के साथ। ये देख सकते हैं काफी स्पेस है इधर, यहाँ पे आप इजीली अपने कपड़े जो है रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कबर्ड्स। अगर हम बात करें इधर, तो इधर आपको मिलेगी शूज रैक के लिए। इसमें भी नीचे से हमने टायर्स लगा रखे ताकि आप इसको इजीली पुश या पुल कर सके। एंड अगर आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको पूरी वॉल पे जो है आपको वार्डरोब्स मिलेंगे ताकि आपके अगर ज्यादा कपड़े तो ऊपर स्टोर हो सके। अब देखते हैं हम ऊपर की ओर, तो ऊपर मिलेगा आपको डिजाइनर लुक में डाउन सीलिंग का डिजाइन, ये देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसी के साथ ही लाइट्स भी आपको साथ में मिलेगी। तो इसी के साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों अपना एलसीडी पैनल की, जो काफी अच्छी है। सिंपल डिजाइन के साथ हमने इसको बनाया है। यहाँ पे आपका इजीली एलसीडी लग जाएगी, 32 इंच की एलसीडी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने इसमें थोड़ा सा इसका डिजाइन एनहांस करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया है ताकि अपने आप डेकोरेटिव आइटम रख सके, ये देख सकते हैं। आइए तो मैं दिखाती हूँ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये देख सकते हैं काफी बड़ी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। अगर आप यहाँ पे कूलर लगाना चाहें तो आप कूलर भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विंडो एसी लगाना चाहे, दो दो प्रोविजन दे रखे हमने, देखो कूलर के लिए भी है, अगर विंडो एसी लगाना चाहे तो विंडो एसी भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने मेन, लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्रेसिंग एरिया। तो ये हमारा है ड्रेसिंग टेबल, ये देख सकते हैं काफी अच्छी लुक के साथ है, काफी सिंपल डिजाइन के साथ दिया है हमने। ये देखिए यहाँ पे आप इजीली अपना मेकअप का सामान रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। इवन यहाँ पे हमने स्विचेस दे रखे हैं आपको बोथ साइड, तो यहाँ पे आप इजीली आपका जो ये स्पेस रह रहा है यहाँ पे आपका डबल बेड इजीली लग सकता है। उसके बावजूद भी अगर स्पेस रहता है तो वहां पे भी आप अगर टेबल लगाना चाहे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग तो वो भी लगा सकते हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। इसी के साथ ये मिलेगा आपको अटैच वॉशरूम, ये देख सकते हैं फुल हाइट तक आपको इसमें टाइल वर्क मिलेगी जो काफी ग्रेस दे रही है आपकी वॉशरूम को, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही अगर इधर की बात करें तो ऊपर शावर मिलेंगे, गीजर का पॉइंट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी हम बाथ फिटिंग करते हैं वो हम सहरा ब्रांड की करते हैं। आइए तो मैं दिखाती हूँ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, इस साइड को मिलेगी वेंटिलेशन के लिए विंडो दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस साइड की, यहाँ पे मिलेगी आपको हैंगिंग शीट, ताकि ये हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कॉर्नर में जो है धूल जम जाती है तो वो इजीली क्लीन नहीं होती है, तो इसीलिए हमने ये हैंगिंग शीट लगाई है ताकि आप अपने वॉशरूम को इजीली क्लीन कर सके। और अगर नीचे की बात करें, नीचे हमने एंटी स्किड स्टाइल्स लगाई है, ये देख सकते हैं, इससे जो है फिसलने का डर नहीं रहता है। इधर मिलेगी आपको कबर्ड्स जहां पे आप इजीली अपना शैम्पू हो, ऑयल हो या फिर कोई भी बाथ आइटम हो वो आप इजीली स्टोर कर सके। लेके आपको टॉवल होल्डर जहां पे अपने टॉवल मतलब हैंग करना चाहे रख सकते हैं। तो आइए अब मैं लेके चलती हूँ आपको वॉश बेसिन की तरफ। ये रहेगा आपका वॉश बेसिन विद मिरर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइए हम दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इसमें लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट हाउसेस अवेलेबल है तो वो अपने पास है 29 लाख से स्टार्ट है अपने पास 75 लाख तक। तो आइए इसी के साथ ही दोस्तों मैं लेके चलती हूँ आपको सेकेंड बेडरूम में। देख सकते हैं काफी बड़ा बेडरूम है, काफी स्पेशियस है, काफी स्पेस है, ये देख सकते हैं। टाइल वर्क देख सकते हैं, बहुत अच्छी टाइल वर्क करा है इसमें मैच करता हुआ, ये देख सकते।
वॉलपेपर आप काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, कलरफुल डिजाइन के साथ। अगर आप चाहे तो अपने मनपसंद से भी अपना वॉलपेपर चूज करके अपनी कोठी में लगा सकते हैं। अगर हम बात करें ऊपर एसी के प्रोविजन की, तो हमने एसी का भी आपको प्रोविजन दे रखा है ताकि आप एसी अपने बेडरूम में लगा सके। इस सेट को मिलेगी आपको वार्डरोब जिसमें की स्लाइडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी स्पेस रहता है। यहाँ पे आप इजीली अपने क्लोथ जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने ये देख सकते हैं हमने अलग अलग ड्रॉअर दिए हैं जहाँ पे आप इजीली अपना सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने जो है शूज रैक दिए हैं, इसमें जो है नीचे टायर लगे हैं ताकि इजीली पुश और पुल हो सके। ऊपर भी आपको प्रॉपर वार्डरोब्स मिलेंगे, इसमें जो है डबल लॉक लगे हैं वार्डरोब्स में, ये देख सकते हैं काफी स्पेस है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं इजीली यहाँ पे जो है 2-3 पर्सन की क्लोथ्स आप रख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपनी एलसीडी पैनल की, जो काफी अच्छी लुक दे रही है। सिंपल डिजाइन के साथ हमने इसको बनाया है। यहाँ पे आप इजीली अपना 32 इंच का एलसीडी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हमने स्पेस दिया है, यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेडीज के लिए अपना ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे देखिए काफी अच्छी एंड सिंपल डिजाइन के साथ हमने इसको बनाया है। यहाँ पे आप इजीली अपना मेकअप का सामान रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ वेंटिलेशन के लिए विंडो। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। इसी के साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे अटैच वॉशरूम, ये देख सकते हैं आप काफी बड़ा है। एंड इसी के साथ ही फुल हाइट तक आपको जो है ऊपर टाइल वर्क दिया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप इस साइड को मिलेगा आपको मिलेगा टॉवल होल्डर एंड क्लोथ होल्डर। यहाँ पे आप अपने क्लोथ्स एंड टॉवल इजीली हैंग कर सकते हैं। ऊपर मिलेगा आपको गीजर का पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड इसी के साथ ही अगर नीचे देखे तो नीचे ठीक इसमें मिलेगी वॉश बेसिन एंड मिरर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी हम बाथ फिटिंग आपको करवा के दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम सेहरा ब्रांड की बाथ फिटिंग। इसी के साथ ही ऊपर मिलेगा शावर। बात करते हैं वेंटिलेशन की विंडो की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी प्रोवाइड करवाई है। तो इसी के साथ ही इससे आपको मिलेगी कबर्ड्स। यहाँ पे आप अपना वॉशरूम का एमिनिटीज जिसको कहते हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशिंग एरिया की तरफ। बात करें वॉशिंग एरिया की, काफी स्पेशियस है। यहाँ पे आप इजीली अपनी 2 मशीनें तो लगा ही सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अगर हम ऊपर देखें तो वेंटिलेशन भी काफी अच्छी खासी है, तो ऊपर हमने कवर कर रखा है इसको जाली से। तो ये था हमारा वॉशिंग एरिया जो आपने देखा। तो आपने देखी मेरी 2BHK सिंगल स्टोरी हाउस, तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूले। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और इसमें एक बात और, जो इसकी डायमेंशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसका प्राइस भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं। इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और नियर बाय पार्क है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, GGS कॉलेज है एंड स्कूल्स भी नियर बाय हैं। एंड इसी के साथ ही अगर हम इसके ऑपोजिट साइड की बात करें तो बैंक भी आपको नियर बाय मिलेंगे, मार्केट नियर बाय मिलेगी एंड मॉल भी आपको जो है नियर बाय मिलेगा। तो ये था हमारा सिंगल स्टोरी हाउस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर किसी का बजट कम है तो हमारे पास कम बजट के घर भी जो है अवेलेबल है। अपने पास जो है 1BHK फ्लैट भी अवेलेबल है, 2BHK, 3BHK एंड प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट हाउसेस भी आपको मिल जाएंगे नियर बाय। अगर ओन हाईवे चाहिए तो ओन हाईवे भी आपको मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ ही अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहती है वो रहेगी आपकी 1800 पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल के हिसाब से।
हम प्रॉपर एग्रीमेंट, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं, कितने टाइम में हम आपको घर जो है हैंड ओवर करके दे रहे हैं वो भी आपका एग्रीमेंट में मेंशन होगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।